जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ, और इसमें जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास नेशनल पार्क। ठीक है जी, नेशनल से जैसा कि नेम से जाहिर होता रहा है, नेशनल यानी कि कोई भी गवर्नमेंट लेवल पे या कौमी लेवल पे जिसे हम कह सकते हैं अपने कंट्री के लिहाज से। तो आज हम देखेंगे पाकिस्तान के लिहाज से, हमारा कंट्री पाकिस्तान है, तो हम जाहिर बात है पाकिस्तान के जो है नेशनल पार्क उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो मेन हम जो बेसिकली बीएस लेवल में पूछा जाता है वो 10 नेशनल पार्क्स का ही किया जाता है। तो हम 10 नेशनल पार्क्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क होता क्या है, यानी कि हमें ये तो पता हो कि जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। तो नेशनल पार्क यहाँ पे आ रहा है आपके पास, डेफिनेशन आ रही, एन एरिया सेट असाइड बाय नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल वर्ड यूज हो गया, नेशनल गवर्नमेंट जो सरकारी गवर्नमेंट होती है किसी भी मुल्क की। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके लिए है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे जो है वो सब कुछ उल्ट हो रहा है, कोई भी रिच पीपल होते हैं जो वो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने में बहुत रोल अदा करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती भी हैं और प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे कानून भी बनाए जाते हैं, लेकिन कम ही लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ये तो हो गया नेशनल पार्क डेफिनेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने जो मेन नेशनल पार्क हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहला जो है वो है लाल सुहानरा नेशनल पार्क। ये मैंने जस्ट शॉर्ट में एब्रिविएशन लिखा है, आप लोग समझ जाएंगे कि लाल सुहानरा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली ज्यादा लेंथी डिटेल में नहीं जाना, अगर किसी ने विजिट किया हुआ है वो तो बहुत इजीली लिख सकता है, क्योंकि जिस विजिट किया हो तो सब कुछ सामने होता है तो बहुत इजी होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है लोकेशन। ये पॉइंट आप लोग जहन में बिठा लें, कोई भी हमने जो है वो डिस्कस करना है नेशनल पार्क, तो उस पर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लोकेशन उसके बारे में। तो ये 36 किलोमीटर बहावलपुर सिटी से एक साइड की तरफ वाकई है, 36 किलोमीटर। अब उधर कोई बहावलपुर सिटी है, ठीक है जी, हालांकि ये 36 किलोमीटर अवे है बहावलपुर सिटी से, लेकिन चूंकि एक देखा जाता है कि जो पॉपुलर एरिया होता है उसका हमेशा कोई ना कोई हवाला दिया जाता है, तो इसी लिहाज से उन्होंने जो कहा है वो है 36 किलोमीटर फ्रॉम बहावलपुर सिटी। तो ये हमारे पास उसकी बेसिक लोकेशन हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां स्पीशीज की, स्पीशीज में अब हम देखते हैं सबसे पहले मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं आप लोगों को अच्छे से पता होगा, यानी कि जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं और वो अपने जो ऑफ स्प्रिंग है उनको फीड करवा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नील गाय एंटीलोप। ये जो है ये लाल सुहानरा नेशनल पार्क में मैमल्स में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर ब्लैक बक आ जाता है। ब्लैक बक और चिंकारा इन दोनों के बहावलपुर में थोड़ी सी ज्यादा ग्रो है, हमने खुद विजिट किया हुआ है अपने वीसी साहब डॉक्टर वाजिद साहब हमारे वीसी थे, तो उनकी हमने सुपरवाइजेशन में हमने ये पार्क विजिट किया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चिंकारा ग्रेजल, और इसके बाद हमारे पास हॉग डीर आ जाते हैं। वैसे तो काफी ज्यादा जो मैमल्स है वो पाए जाते हैं, लेकिन हम चूंकि अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बर्ड्स की। मैमल तो हमारे पास हो गया, कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स में जो वहां पे लाल सुहानरा नेशनल पार्क है उसमें तकरीबन 76 जो स्पीशीज है वो पाई जाती हैं, यानी कि 76 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट इन लाल सुहानरा नेशनल पार्क। तो इसमें कुछ हम डिस्कस करते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो जैसे कि हुबारा बस्टर्ड है, ये पाया जाता है जी लाल सुहानरा नेशनल पार्क में। उसके बाद पेरिग्रीन फाल्कन है, हैंड हैरियर है, क्रिफॉन वल्चर है। इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो लार्जर फैलकॉन भी पाया जाता है, और इसी तरह हॉर्नी बजर्ड भी हमारे पास पाया जाता है। ये आप लोग इजाफा कर सकते हैं, और इसी तरह जैसे ये हमें एरियर वहां पे मार्श एरियर वगैरह भी जो बर्ड्स में है वो उधर आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर आप लोग विजिट करेंगे। तो
तो ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि बर्ड्स मेमोरल का। उसके बाद अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, रेप्टाइल्स में हमारे पास आ जाते हैं इंडियन कोबरा है, माइंटेड लिजर्ड है और वाइपर रसल वगैरह जो है, ये हमारे पास रेप्टाइल्स की स्पीशी में है जो वो लाल स्वर्ण नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये यहाँ तक हमने बेसिक जो किया है ये हमारा एक नेशनल पार्क हो गया है। तो लिखने में आप अगर किसी ने विजिट किया तो बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम ये 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है लॉन्ग में अगर आए तो, और 2 नेशनल पार्क मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो नेशनल पार्क है वो हमारे पास है चिंजी नेशनल पार्क, ठीक है जी, चिंजी नेशनल पार्क। इसमें जो सबसे पहले इसकी हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये चकवाल में पाया जाता है। अब चकवाल आपको पता है डिस्ट्रिक्ट पंजाब में आता है, इस्लामाबाद, ठीक है जी। इसके हम अगर एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास जो इसका एरिया है वो है 561 acres। इसको बाद हेक्टर्स में भी लिख लेते हैं लेकिन यहाँ पे एकर्स में आपको लोगों ने बताया कि आप हेक्टर में भी इसको लिख सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। तो इसको जो है वो 1987 में पब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था और ये प्रोटेक्टेड बाय IUCN है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद इसकी अगर हम स्पीशीज की बात करते हैं तो मैमल्स में हमारे पास जो आता है वो यूराइल पाया जाता है, वहां पे गोल्डन जैकल है, बंगाल फॉक्स है, इंडियन वोल्फ है। तो ये जो मैमल्स हैं ये कहाँ पे? चिंजी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, प्रेजेंट हैं। बर्ड्स की बात करें तो ग्रे फैल्कनर है और उसके बाद हमारे पास कॉमन वुड पिजन है। अगर देखा जाए तो ये दोनों जो हैं बर्ड्स वो गेमिंग बर्ड्स हैं। अब आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि गेमिंग बर्ड्स क्या होते हैं। एक्चुअली गेमिंग बर्ड्स हम उन बर्ड्स को कहते हैं जिनसे हम शिकार प्रे वगैरह भी करवाते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है अकाब है तो वो सॉरी जो फ्रैंकलिन है हमारे पास, इसको क्या है कि जो अरेबिक लोग होते हैं वो बहुत शौक से इसको पालते हैं, बड़ा करते हैं और अपने खुराक देते हैं और यहाँ तक ये बस्टर्ड को भी कैप्चर कर लेता है। उसके बाद कॉमन वुड पिजन है, जैसे आप लोगों ने कबूतर देखे होंगे, लोग इनसे गेमिंग करते हैं, जैसे कि वो बाजियां लगवाते हैं और इससे भी पैसा कमाते हैं। तो इनको हम ऐसे बर्ड्स को क्या कहते हैं? गेमिंग बर्ड्स। तो ये जो गेमिंग बर्ड्स है बेसिकली ये चिंगी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इस थर्ड नंबर पे जो हमारे पास नेशनल पार्क आता है वो है पंजाब नेशनल पार्क, 2 हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हमारे पास नंबर 3 पे है, ये भी पाकिस्तान नेशनल पार्क में से एक है। तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं जो हमजा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और इसका जो एरिया है वो 226913 hectares है। तो मैंने बताया था कुछ हम एकर्स में भी करते हैं और कुछ हेक्टर्स में भी करते हैं, तो इसको हम हेक्टर्स में कर रहे हैं। और जो ये इस्टेब्लिश है ये 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। हर जो नेशनल पार्क होता है उसको इस्टेब्लिश करने के भी पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है कि उसको क्यों किया जाता है। जैसा कि फर्ज हमने जो लिया था लाल स्वामी नेशनल पार्क, उसका क्या मेन मकसद था? उसका था ब्लैक बक और जो हमने किया था चिंकारा, उनको प्रिजर्व यानी प्रोटेक्ट करना था। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ थ्रेटेड स्पीशी होती हैं, कुछ वल्नरेबल होती हैं और कुछ नियर टू एक्सटिंक्शन होती हैं। तो इसी तरह ये इसका मकसद क्या था, पंजाब नेशनल पार्क जो था इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द एम और व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल पार्क। तो ये हम लिखेंगे कि इसका जो पर्पस था वो था मार्को पालो शीप और स्नो लेपर्ड्स जो है इनको प्रिजर्व करना, मीन के इनकी प्रोटेक्शन फ्राहम करना, इनकी जो है ऑफस्प्रिंग है इससे हमें नई यानी कि प्रोड्यूस करवाना। ये क्या था हमारे पास रहना, ये खत्म होने के करीब तो खत्म होते जा रहे हैं तो इसका मकसद नेशनल पार्क का ये भी था कि इस स्पीशीज को हमने क्या करना है, ग्रो अप करना है, इसके खत्म होने को हमने रोकना है। और इसके बाद हम अगर बात करते हैं इसमें और स्पीशीज की तो हमारे पास हिमालयन आईबैक्स आ जाता है, ब्लू शीप आ जाता है, ब्राउन बियर आ जाता है और बर्ड्स में हमारे पास जो है वो गोल्डन ईगल आ जाता है, उसके बाद स्नो कॉक हमारे पास आ जाता है। ये जो बर्ड है ये पंजाब नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हिमालयन ग्रीफन वल्चर आ जाते हैं।
तो ये जो कुछ बर्ड्स है ये क्या है, ये खुजराब नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अब हम फोर्थ वन नेशनल पार्क है हमारे पास, वो है किराथर नेशनल पार्क। कुछ किरथर भी पढ़ते हैं, कुछ किराथर भी पढ़ते हैं, हर एक ही अपनी लैंग्वेज में जो लफ्ज़ जैसे अलाउड है। तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन है जो वो है किराथर माउंटेन रेंज, जो कि पाकिस्तान में मशहूर माउंटेन है, तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। और इनका जो एरिया वो एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, या गूगल से आप सर्च कर लीजिएगा, या मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो नोट्स में जो है वो आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें हम स्पीशीज़ की बात करते हैं, तो जो हमारे पास मैमल्स हैं, मैमल्स में हमारे पास जो है वो इंडियन फोक्स आ जाता है, इंडियन ग्रे मैंगोज़ा हमारे पास आ जाता है, उसके बाद रॉक माउस आ जाता है, हनी बैगर भी हमारे पास, ये सारे मैमल्स में किराथर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स में हमारे पास जो है वो है लार्जर फाल्कन है, सीसी पैट्रेज है, उसके बाद लार्क होप और हबारा बस्टर्ड है। तो ये जो बर्ड्स हैं ये हमारे किराथर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं।